अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ये जो हमारा ये वाली इस तरह की हम वो किस तरह बना सकते हैं, एली स्टाइल के थ्रू हम किस तरह बना सकते हैं। तो ये हमने एक बना ली थी। आज की डे में हम देखेंगे कि हम ये बॉटम में ये नेविगेशन बार ये हम किस तरह बनाएंगे और इससे हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसको मिनिमाइज करके क्विकली जो है हमारा एप्लीकेशन वो स्टार्ट कर लेता हूँ। विल टेक अ फ्यू सेकंड्स। सो एक दफा ये हो गया तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सेबल फ्लटर लर्निंग ओपन हो गया था। ये पेट शॉप, ये हमने लास्ट टाइम ये देखा था, हमने ये लिस्ट स्टाइल में कि हम ये किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं एक दफ़ा क्विकली साथ में मैं हमारी एंड्रॉयड डिवाइस जो है मैं वो चला लेता हूँ ताकि इसको हम देख सकें हमने क्या किया था। तो मैं इस हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, तो एक दफ़ा ये एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर हम अपना काम जो आगे कंटिन्यू कर देंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था ये हवाना डॉग्स हमने इस तरह बना लिए थे। अगर इमेज में देखा जाए तो यहाँ पे न्यू पेट शॉप और सी आल के बटन है, तो ये हम दोनों भी क्विकली ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर हम आगे अपना काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो स्टाइल मैं यहाँ सबसे पहले अपना एक दो ले लेता हूँ। जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा विजिबल हो जाए। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ जो हमारे वहाँ पे लिखी हुई है, न्यू वेस्ट पैंट। न्यू वेस्ट पैंट और स्टाइल में मैं इसको दे देता हूँ फॉन्ट्स डॉट लेटो। और इसका मैं कलर दे देता हूँ कलर्स डॉट ब्लू एक्सेंट। और यहाँ पे मैं इसका साइज डिफाइन कर देता हूँ, फॉन्ट साइज में इसका बोल देता हूँ 30। तो क्विकली मैं इसको हॉट रीलोड करके देखता हूँ कि ये अब हमारे किस तरह विजिबल होगा। तो यहाँ पे ये न्यू एस्पेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा, इसको मैं 25 का साइज दे लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा न्यू एस्पेक्ट आ गया है। इसको थोड़ा सा रो को मैं पैडिंग दे देता हूँ ओनली, और लेफ्ट से मैं दे देता हूँ 20 की पैडिंग। तो ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड पैडिंग इसको मिल गई है। तो एक ये हमारे पास टेक्स्ट है और इसके बाद एक हमारा जो बटन की तरह काम करेगा, लेकिन ऐसे हमें वहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है उसके बटन को यूज़ करने की। तो मैं इसको सिंपली ये क्लोज करूँगा और इसको मैं कर दूँगा कंट्रोल डी एंड इसको सेट कर दूँगा सी आल। और यहाँ पे मैं इसको फॉन्ट साइज दे दूँगा 18 दे दूंगा और इसका कलर मैं यहाँ से रिमूव करके ब्लू एक्सेंट की बजाय मैं इसको दे दूंगा
मैं डार्क ब्लैक दे देता हूँ। तो ये आगे तो इसको इन दोनों को सेट करने का सिंपली यहाँ पे मैं एक स्पेसर डाल दूंगा। स्पेसर क्या करता है वो इन दोनों के दरमियान में स्पेस डाल देगा और फ्लेक्स में वन कर देंगे का मतलब इसके दरमियान में एक चाइल्ड की गुंजाइश होगी। तो इसको मैं सेट कर दूंगा कॉस्ट ऑनियन। तो अब हम इसको मैं हॉट रेट लोड करके देखते हैं। ठीक है सर, तो ये देख रहे हैं ये हमारा सी एल एंड में चला गया। तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी पैडिंग चाहिए होगी राइट साइड से, तो वहाँ से भी मैं इसको 20 की पैडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ से भी इसको पैडिंग आ गई। ओके गाइस, सो ये वाला हमारे पास ये बन चुका था, क्योंकि आप हमने इसको डायनेमिकली यूज करना है। तो इसकी सबसे पहले हम एक मॉडल क्लास बनाएंगे, और मॉडल क्लास बनाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे ये एक इमेज के लिए इमेज का लिंक होगा कुछ, ये हमारा डॉग्स है और लाइक समथिंग के इस तरह का कुछ लिखा हुआ होगा। तो इसको मैं क्विकली क्लोज करता हूँ। ये लास्ट टाइम हमने जो है हमारे लिए स्टाइल बनाई थी, जिसमें मैंने ये एक डॉग की इमेज वगैरह सारा कुछ इंपोर्ट किया था। तो इसको सिंपली जिस तरह हम पहले पहले भी करते आए हैं, तो इसको मैं एज अ रिफैक्टर करूँगा, रिफैक्टर एज एक्सट्रैक्ट मेथ। इसको मैं एक्सट्रैक्ट एज अ फ्लटर विजिट करूँगा, क्योंकि ये दो स्क्रीनों की जगह भी यूज होगा, तो इसको मैं कॉमन में रखूँगा। इसका नाम है डिस्प्ले पेटलिस्ट क्लिप का, इसको मैं रिफैक्टर करता हूँ तो ये मेरा सारा यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाता है। इसको मैं सिंपली यहाँ से कट करूँगा। कट करने के बाद ठीक है, वो मुझे एरर दे रहा है कॉमन विजिट डॉग का। ठीक है, मैं इसको पहले करता हूँ इम्पोर्ट फ्लटर मटेरियल। फ्लटर मटेरियल इंपोर्ट करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे उसको जो कट किया है तो उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं कुछ एक दो एरर्स मिलने को गूगल फॉन्ट्स का इंपोर्ट ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिएगा, हम यहाँ पे क्विकली मैं इसके साथ में सेट कर देता हूँ फाइनल स्ट्रिंग। और इसको क्या चाहिए होगा, आई एम जी यू आर एल, इमेज यू आर एल इसको दे देंगे एक, और इसको टाइटल स्ट्रिंग टाइटल, एक टाइटल होगा इसका और एक सब टाइटल होगा। और एक इसकी प्राइस होगी। यहाँ पे ये सारा सेट कर दूंगा क्विकली इमेज यूआरएल। प्राइस में इसके 0.00 कर दूंगा, क्योंकि ये हमारी डबल में, और सॉरी दिस डॉट सबटाइटल में इसको डिफॉल्ट में एबीसी दे दूंगा, और टाइटल और टाइटल जो है मैं इसको दे दूंगा वो भी डिफॉल्ट में इसको एबीसी दे दूंगा। एज क्विकली मैं यहाँ पे ये सेट कर देता हूँ इमेज एसेट्स यहाँ पे। ठीक है, डी एस ड्रॉप की बजाय इमेज यू आर एल, और हैवाना डॉग की बजाय मैं यहाँ पे टाइटल सेट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने लुकिंग गुड लिखा था यहाँ पे मैं सबटाइटल दे दूंगा। हाँ, ये कॉस्ट रिमूव हो जाएगा इसका,
और ये भी कॉस्ट इसका हम रिमूव कर देंगे। कॉस्ट रिमूव करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक डॉलर साइन लूंगा और उसके यहाँ पे मैं प्राइस डिस्प्ले कर दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये बैक स्लैश जो डॉलर साइन है ये डॉलर साइन डिस्प्ले करने के लिए, और ये डॉलर साइन जो है वो जो हमारी वैल्यू है उसको डिस्प्ले करने के लिए है। इस चीज में आपने थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। तो अभी मैं आ जाता हूँ इधर हमारी मेन स्क्रीन में। सॉरी, डॉग कार्ड में कुछ एक आधा एरर रह गए। लेट मी चेक वेयर द एरर। ठीक है, ये एरर हमारा गॉन। यहाँ पे हमारा ये है। ओके, तो इसको अभी हम कुछ, यहाँ पे मैं सिंपली एक लिस्ट व्यू लेता हूँ। यहाँ पे हम 3 से हार्डली 3 या 4 लिस्ट जो हैं वो डिस्प्ले करेंगे, इससे ज़्यादा हम लिस्ट जो है वो नहीं डिस्प्ले करेंगे। तो मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड ही यूज़ करूँगा, मैं ट्रेडिशनल स्टाइल यूज़ करूँगा। साइज्ड बॉक्स यहाँ पे लूँगा, और ये इसको ये कुछ चाइल्ड लेते हैं, और चाइल्ड के अंदर मैं इसको दे दूँगा स्टाइल। यहाँ पे मैं, याद रहे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं डायनामिकली जो हमारी लिस्ट व्यू है मैं वो नहीं यूज कर रहा, लिस्ट व्यू बिल्डर नहीं यूज कर रहा, मैं सिर्फ लिस्ट व्यू यूज कर रहा हूँ। तो इसको कुछ चिल्ड्रंस चाहिए होते हैं, और ये चिल्ड्रन मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसके कुछ आर्गुमेंट है, एक इमेज यू आर एल इसको चाहिए, और जो मैंने यहाँ पे डीएस डॉग था जी, बिल्कुल ये हमारा क्यूट सा एक डॉग। तो सिंपली यहाँ पे मैं मेन में आऊंगा, सॉरी, मैं यहाँ पे इसका डीएस डॉग दे दूंगा एक, और की वो मैं इसको यूनिकली दे देता हूँ, यूनिक की होगी इसकी एक, और इसके प्राइस मैं 250 कर देता हूँ। सबटाइटल, और इसका जो सबटाइटल है मैं वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। लुकिंग ही कर देते हैं, और यहां पे मैं इसका टाइटल लगा देता हूँ हवाना डॉग्स। ओके, सो अभी देखते हैं, अभी और कुछ रह तो नहीं गया, आई थिंक सो नहीं रह गया। ठीक है, तो यही चीज मैं 3 से 4 दफा रिपीट करूंगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, होपफुली उम्मीद है कि मुझे एरर देखने को मिलेगा, देखते हैं एरर मिलता है कि नहीं मिलता। जी, जैसे मुझे उम्मीद थी कि मुझे एरर देखने को मिलेगा, और वो क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइज इसकी हाइट जो है वो मैंने डिफाइन नहीं की थी। तो इसको एक सेकेंड में एक और नई चीज देखते हैं, श्रिंक रैप तो मैं ट्रू कर देता हूँ, और ये साइज बॉक्स की बजाय मैं इसको एक दफा रैप करता हूँ एक्सपेंडेड में, एक्सपेंडेड, और इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। होपफुली अब नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो फिर हम इसको साइज हार्डली डिफाइन कर देंगे कि आपने इसका इतना साइज। ठीक है, ये कुछ आया है एक इनकरेक्ट यूज ऑफ पेरेंट विजेट। ठीक है, आप वो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ये एक्सपेंडेड नहीं यूज करना, ये आपका इनकरेक्ट यूज किया आप लोगों ने। जी ठीक है सर, हम उसको रिमूव कर देते हैं, और ये कुछ इस तरह हमारे 3 से 4 जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, तो श्रिंक रैप करने की वजह से ये तो हो गया, लेकिन ये स्क्रॉल आई डोंट थिंक सो क्यों नहीं हो रहा है।
एक्सेसिस डॉट वर्टिकल, इसको मैं एक दफा वैसे साइज्ड में रैप करके देखता हूँ। साइज्ड बॉक्स और हाइट इसकी मैं दे देता हूँ 300। ये वेर इज विदाउट टाइटल, वेर इज कॉल्ड सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में दिस इज रैप्ड। जी ठीक है, वो साइज का इशू आ रहा था तो साइज इसका 200 मैंने सेट किए, तो ये अब ये स्क्रॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो आज की डे में तो जस्ट ये है कि ना हमने ये लिस्ट बनाई, नेक्स्ट में इसको, क्योंकि ये लिस्ट हमारी कई बहुत सी जगह पे यूज होनी है, 2 से 3 दिनों पे यूज होनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट एक बना दूंगा, जब वो हम वो किसी बटन पे टैप करेंगे तो वो नेक्स्ट स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली साथ में हम वो लिस्ट पास करवा देंगे, और साथ में इसमें हम कल की डेट में देखेंगे कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे स्विच किस तरह करते हैं। तो आज के एक तो ये था मेरा आप लोगों के साथ प्रॉमिस, ये वाली लिस्ट हमने बनानी थी, और सेकेंडली आज मेरा आप लोगों के साथ जो प्रॉमिस है वो है मेरा आप लोगों के साथ के बॉटम नेविगेशन बार हमने किस तरह बनानी है। तो बॉटम नेविगेशन बार के लिए मैं सिंपली इसका एक सिंपल सा तरीका है, मैं यहाँ पे ये अपना ब्राउजर ओपन कर देता हूँ। ओके, तो मैं गूगल मटेरियल में जाता हूँ, गूगल मटेरियल आया हूँ मैं जाके, यहाँ पे हमारे मतलब कि हर एक चीज मिल जाएगी, एनवायरनमेंट लेआउट ग्रिड ये सब कुछ टाइप शेप, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा बॉटम नेव बार, ये आ जाएगी बॉटम नेविगेशन बार। यहाँ पे एंड्रॉयड की बजाय मैं फ्लटर सेलेक्ट कर लूंगा तो वो फ्लटर का आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमें सारा ये बता देगा। तो ये हमारे पास बनी बनाई है बॉटम नेविगेशन बार, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से मैं इसका कोड कॉपी करूँगा, या कोड कॉपी करने की बजाय मैं खुद लिखते हैं ताकि आप लोगों को साथ साथ मैं बताता भी जाऊँ, अगर कोई चीज़ साथ में ऐसा चीज़ यूज़ होती है तो। स्कैफोल्ड के अंदर आना और यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार आ जाएगी, ये क्या एक्सेप्ट करेगी, एक विजेट एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो इसको ये विजेट हमने देना है, लेकिन बाद में इसको हम सिंपली जिस तरह हम पहले की तरह करते हैं हमेशा की तरह, हम इसको एक्सट्रैक्ट करके एक साइड पे रख देंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर कहीं पे इसको इन फ्यूचर अगर हमने कहीं पे इसका यूज करना है तो इसको हम अपनी मर्जी से यूज कर सकें। ओके, तो यहाँ पे कैसे क्या इसको रिक्वायर है, एक बॉटम नेविगेशन बार चाहिए इसको। ओके, तो बॉटम नेविगेशन बार आ चुकी है, यहाँ पे एक आइटम्स इसको रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, आइटम्स इसको रिक्वायर हैं, तो यहाँ पे हम इसको आइटम जो है वो हम दे देंगे। यहाँ से सिंपली मैं बॉटम नेविगेशन बार ये किस तरह की होगी, फिक्स्ड होगी, इसका कलर क्या होगा, सिलेक्टेड कलर क्या होगा, ऑन टैब पे वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक वैल्यू पे प्रेस और इसकी कुछ आइटम्स होगी, आइटम क्या थी बॉटम नेविगेशन बार आइटम, ये मैं सिंपली क्विकली कॉपी कर लेता हूँ फॉर द सेविंग ऑफ टाइम। यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर दूंगा, ये कौन सा एरर है, ओके यहाँ पे सबको मैं सेट कर देता हूँ कॉस्ट। ओके, ये
ये चेंज हो गए, इसको लेबल कर दिया गया उन्होंने, बॉटम नेविगेशन बार में अब क्या आ गए, लेबल आ गए। लेबल लेबल जो होता है इसको, वो स्ट्रिंग होगा, आइकन। लेमी चेक, नहीं जी यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे मैं इसको, लेमी थिंक, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ कोई इशू तो नहीं होगा, नहीं कोई इशू नहीं होगा। टाइटल वगैरह इसका लाजमी होता था पहले किसी टाइम में, अब नहीं होता। ओके तो ये तो हमारा हो गया इतना सा काम, लेकिन यहाँ पे हमारा काम अभी खत्म नहीं होता। यहाँ पे मुझे इसको डिस्प्ले पे करवाने के लिए इसको एक लिस्ट देनी पड़ेगी, और वो लिस्ट अब हम किस तरह इसको सेट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये इसका आइकन है, ये वाला साइज यहाँ पे, ये हमारे एक डेमो में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड कलर स्क्रीन, ये सारा ऑन प्रेस्ड, सेट स्टेट, करंट इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे जो है हमारा वैल्यू जो है वो आएगी, और यहाँ पे मैं सिंपली, ये अगर आप लोग यहाँ पे इसको देखें, तो इसको सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे, सक्रिय जो हमारी डिफरेंट स्क्रीन्स होंगी उनकी लिस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, वो जो इंडेक्स है ऑन टैप जो है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ऑन टैप पे, ये हमें वो इंडेक्स रिटर्न करती है। वो इंडेक्स रिटर्न में हम इसको देखते हैं कि हमारे टैप पे वो किस तरह हमें इंडेक्स रिटर्न करती है ऑन टैप। और यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे अब हम इसको एक दफ़ा प्रिंट करवा के देखेंगे क्या होता है। द वैल्यू, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। होपफुली दिस इज वर्किंग। ओके, ये क्या है, टाइटल, ओके जी। तो ये हमें कुछ एक प्यारा सा एरर दे रहा है कि आप लोगों का लेबल जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम इसको, ये लेबल को हम एम्प्टी नहीं करते, लेबल यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग सेंड कर देता हूँ। इसको सिंपली मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। होपफुली जी अब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं अब हमें एरर कौन सा देखने को मिलेगा। ओके तो ये आ गया, लेकिन ये माशाल्लाह से हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको कलर स्टॉट ब्लैक करके देखते हैं, इसको हॉट रीलोड करते हैं, देखते हैं अब हमारे पास डिस्प्ले में आता है या नहीं। जी अब ये डिस्प्ले में आ गया, कलर्स का इशू था। ओके यही लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ भी मैं कर दूंगा पेस्ट सिंपल। अच्छा मैं इसको अब जरा रीलोड करके देखता हूँ। ओके गाइस, तो ये हमारा रीलोड हो चुका है, तो इसमें हमारे चारों ये चीज़ें हैं जो है। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसको हार्ड पे टैप करता हूँ वो मुझे वैल्यू 0 दे रहा है, मैं इस पे टैप करता हूँ वो 1 दे रहा है, ये लोकेशन वाले पे वो मुझे 2 दे रहा है, एंड वाले पे वो मुझे लोकेशन 3 दे रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अब एक इसके लिस्ट हम पास करेंगे, तो वो लिस्ट का वो जिस लिस्ट पे टैप करेगा, लेट्स सपोज वो 1 पे टैप करेगा, तो उस लिस्ट के अगेंस्ट जो इंडेक्स होगा 1, तो ये क्या करेगा उस स्क्रीन पे इसको स्विच कर देगा। तो उसके लिए जो है वो हम किस तरह करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको जो है टोटली हम ये नीचे वाले जो आइकन जो है हमारे नीड वाले, हम वो वाले अपने आइकन मर्जी से सेट करेंगे और उन सबको देखेंगे। तब
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, कैंडी वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।